गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, चैप्टर 7, फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। फर्स्ट आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। LCM of 20, 15, 10 and 40 is equal to 120. 9 upon 20 is equal to 9 multiply 6 upon 20 multiply 6. 9, 6 is 54, then 120. 4 upon 15 is equal to 4 multiply 8, 15 multiply 8, 4 8 is 32, 15 8 is 120. 7 upon 10 is equal to 7 multiply 12, 10 multiply 12, denominator same बनाना है हमारको, इसलिए 12, 7 is 84, then 12, 10 is 120. 4 upon 40 is equal to 4 multiply 3, 40 multiply 3, 4 3 is 12, then 43 is 120. Since 24 upon 84, 18 upon 84, sorry, 84 upon 120, 54 upon 120, 32 upon 120, then 12 upon 120. Hence, the ascending order is 7 upon 10, 9 upon 20, 4 upon 15, then 4 upon 40. ठीक है, जो कि 184 अपॉन 120 था तो 7 अपॉन 10, 54 अपॉन 120 तो 9 अपॉन 20, 32 अपॉन 120 तो 4 अपॉन 15, 12 अपॉन 120 इक्वल टू 4 अपॉन 40। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर था। इसका बी पार्ट 3 अपॉन 9, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 6 एंड 7 अपॉन 12। LCM of 9, 3, 6 and 12 is equal to 36. So 3 upon 9 is equal to 3 multiply 4 upon 9 multiply 4, 12 upon 36. 2 upon 3 is equal to 2 multiply 12 upon 3 multiply 12. 12 2 is 24, 12 3 is 36. Then 3 upon 6 is equal to 3 multiply 6 upon 6 multiply 6 is equal to 18 upon 36. 7 upon 12 is equal to 7 multiply 3, 12 multiply 3 is equal to 21 upon 36. Since 24 upon 36, 21 upon 36, 18 upon 36, then 12 upon 36. Hence, descending order is
टू अपॉन थ्री, सेवन अपॉन ट्वेल्व, थ्री अपॉन सिक्स, देन थ्री अपॉन नाइन. दिस इज आंसर. ठीक है, इसके दो पार्ट्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बाकी के दो पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोएस्ट टर्म्स. ठीक है, आपको लोएस्ट टर्म्स में करना है. तो पहले का आंसर वन अपॉन फाइव आया, सो हियर नो कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट टू. सो द गिवन फ्रैक्शन इज इन द लोएस्ट टर्म. इसका बी पार्ट, टू अपॉन सिक्स, हेयर टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर so the given fraction is not in the lowest term. इसका सी पार्ट, फाइव अपॉन टेन, here 5 is common factor of numerator and denominator. So the given fraction is not in the lowest term. बाकी के दो पार्ट आपको ट्राई कीजिए. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव भी कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म. फर्स्ट ऑफ दे रखा आपको टेन अपॉन 20, सो 10 डिवाइडेड बाय 10, देन 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 10 को 20 से डिवाइड करा 2, इसका बी पार्ट 45 अपॉन 16, 45 डिवाइडेड बाय 15, देन 16 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 is a 45 and 15 4 is a 16. C part 12 upon 20, 12 divided by 4, then 20 divided by 4, 4 3 is a 12 and 4 5 is a 20. Iska D part 40 upon 80, 40 divided by 40, then 80 divided by 40, 1 upon 2. ठीक है, इसका ई पार्ट
100 अपॉन 500, सो 100 डिवाइडेड बाय 100, देन 500 डिवाइडेड बाय 100, सो 1 अपॉन 5, इसका एफ पार्ट 125 अपॉन 500, 125 डिवाइडेड बाय 125 अपॉन 500 डिवाइडेड बाय 125, सो 1 अपॉन 4, देन इसका जी पार्ट 15 अपॉन 75, देन 15 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 75 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, एच पार्ट 70 अपॉन 85, 70 डिवाइडेड बाय 5, 85 डिवाइडेड बाय 5, सो 14 अपॉन 17, देन आई पार्ट 8 अपॉन 12, 8 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4, 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7C भी कंप्लीट होती है।